वीडियो में देखने वाले हैं कि थिंकेबल में एंग्री बर्ड्स गेम कैसे बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं एक साइड है एंग्री बर्ड और ये दूसरी साइड है पिग। जब मैं स्क्रीन पर फ्लंक करूंगा तो ये जैसे कि एंग्री बर्ड्स गेम में होता है वैसे ही जाके पिग से टकराएगा और पिग एक रैंडम पोजिशन ले लेगा। अगर मैं गलत डायरेक्शन में मूव करूँगा तो मेरा एंग्री बर्ड गलत डायरेक्शन में जाएगा और मैं चाहूँ तो अपने एंग्री बर्ड से पिग को कोलाइड भी करवा सकता हूँ। और आज हम इस वीडियो में यही बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट पर आ जाएं जिसका नाम है app.thinkable.com। उसके बाद ऐप पर जाकर क्रिएट न्यू ऐप, ऐप का नाम देना है यहाँ पर और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन अपने अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। डिजाइन सेक्शन में जाने, लेआउट सेक्शन में जाने के बाद एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है। हाइट रखनी है उसकी 85% और विड्थ रखनी है 85%। उसके बाद मीडिया सेक्शन में जाने के बाद एक ड्राइंग एंड एनिमेशन सेक्शन में जाने के बाद एक कैनवास, इसकी हाइट रखनी है फिल पेरेंट और विड्थ रखनी है फिल पेरेंट। उसके बाद ड्राइंग एंड एनिमेशन में जाना है, वहां से लेनी है एक इमेज स्प्राइट और एक और इमेज स्प्राइट। पहली वाली इमेज स्प्राइट का नाम रखना है बर्ड स्प्राइट और दूसरी वाली इमेज स्प्राइट का नाम रिनेम करना है पिग स्प्राइट। बर्ड स्प्राइट पर क्लिक करना है और वहां पर एक फोटो अपलोड कर देनी है बर्ड की। पिक्चर में जाने के बाद अपलोड फाइल यहां पे भी सेव कर रखी हो, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं हम। और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। पिग स्प्राइट पर क्लिक करने के बाद वहां पर पिक्चर पे जाना है और अपलोड करनी है एक फाइल, ये मैंने डाउनलोड कर रखी है, यहाँ से अपलोड कर देनी है। डिजाइनर सेक्शन में इतना ही, ब्लॉक सेक्शन में जाना है। स्क्रीन वन पे क्लिक करने के बाद ब्रेन स्क्रीन वन डॉट इनिशियलाइज, प्रोसीजर पे क्लिक करने के बाद एक प्रोसीजर लेना है सेट हाइट एंड विड्थ। सेट बर्ड स्प्राइट डॉट विड्थ टू, मैथ में जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, कैनवास वन डॉट विड्थ इनटू में 0.15। उसी तरह इसे कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है और सेट बर्ड स्प्राइट डॉट हाइट टू कैनवास वन डॉट विड्थ, विड्थ के बराबर हाइट। सेट पिग स्प्राइट डॉट विड्थ टू, यहाँ पर कैनवास वन डॉट विड्थ की जगह
पर कैनवस 1.width की जगह पे आएगा बर्ड स्प्राइट डॉट विड्थ, बर्ड स्प्राइट डॉट विड्थ, और वहीं पे ये कॉपी करके नीचे पेस्ट हो जाएगा पिग स्प्राइट डॉट विड्थ टू बर्ड स्प्राइट डॉट विड्थ, बर्ड स्प्राइट डॉट हाइट टू बर्ड स्प्राइट डॉट विड्थ। जब भी इनिशियलाइज हो तो इनकी पोजीशन बर्ड और पिक की पोजीशन सेट करने के लिए एक्स और वाई को सेट करना है, उसके लिए सेट बर्ड स्प्राइट डॉट एक्स टू कैनवस 1.width इनटू में 0.05। सेट बर्ड स्प्राइट डॉट y to कन्वर्स 1.height into में 0.5, x horizontally और y vertically। इसी की तरह से set pig sprite dot x to कन्वर्स 1.width इंटू में 0.85, सेट बर्ड स्प्राइट डॉट वाई टू कन्वर्स 1.height इंटू में कन्वर्स 1.height इंटू में 0.85। व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज कॉल सेट हाइट एंड विड्थ प्रोसीजर। अब इस बर्ड को मूव कराने के लिए व्हेन स्क्रीन 1.flung व्हेन कैनवास 1.flung सेट बर्ड डॉट एक्स टू, आगे का ये डिलीट हो जाएगा। मैथ में जाने के बाद एक प्लस का साइन, बर्ड स्प्राइट डॉट एक्स प्लस गेट एक्स वेलोसिटी, वेलोसिटी सेट बर्ड स्प्राइट डॉट वाई टू बर्ड स्प्राइट डॉट वाई प्लस गेट वाई वेलोसिटी। जब हमारा बर्ड किसी पोजीशन पर पहुंच जाए, एज पे रीच हो जाए, जब एक ये तो हो गया उसे मूव कराने के लिए, लेकिन जब वो एज पर पहुंच जाए तो उसको दोबारा से उसकी पोजीशन सेट करने के लिए व्हेन बर्ड स्प्राइट डॉट व्हेन बर्ड स्प्राइट डॉट एज रीच्ड original position set bird sprite dot x to original position, we copy paste कर देंगे, set bird sprite dot y to वो भी original position, जब हमारा bird pick से collide करे तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और जो पिग है वो कोई एक रैंडम इमेज रैंडम पोजीशन पे आ जाए वाई पे एक्सिस में, वाई मतलब ऊपर से नीचे में। व्हेन बर्ड स्प्राइट डॉट कोलाइडेड विद अदर व्हेन बर्ड स्प्राइट डॉट कोलाइडेड
पैटोट कोलाइडेड विद अदर। यहाँ पर सिर्फ एक ही पिक है, लेकिन अगर एक से कोई ज़्यादा इमेज स्प्राइट्स हों तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इफ या देन का यूज, लॉजिक में जाके इक्वल टू इफ गेट अदर इक्वल टू पिग स्प्राइट। पिग स्प्राइट देन, तो हमें बर्ड की पोजीशन दोबारा से सेट करवानी है, ओरिजिनल पोजीशन में इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमें पिक की एक रैंडम पोजीशन सेट करवानी है ऊपर से नीचे के लिए, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पे ले देंगे पिक स्प्राइट डॉट एक्स टू कन्वर्स वन डॉट विड्थ इंटू में 0.85 यानी 85% पे हमारी विड्थ के 85% पे पिक रहेगा। और उसके बाद पिग स्प्राइट इसे फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे पिग स्प्राइट डॉट वाई टू और इसे डिलीट कर देंगे। मैथ में जाने के बाद एक इनटू का साइन और इसे ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर कन्वर्स वन डॉट हाइट कन्वर्स वन डॉट हाइट इनटू में मैथ में जाने के बाद गेट ग्लोबल इंटीजर फ्रॉम गेट ग्लोबल इंटीजर फ्रॉम 3200। मैथ में जाने के बाद एक डिवाइड का साइन यहाँ से ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 कन्वर्ट 1.height इनटू में रैंडम इंटीजर फ्रॉम 3200 3270 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे टेस्ट करेंगे, ये हो तो रहा है लेकिन ये हो नहीं रहा इसमें। एक तो इसकी पोजीशंस गलत है और दूसरा ये कंटिन्यूस मूव नहीं हो रहा है। पोजीशन ठीक करने के लिए बर्ड स्प्राइट एक्स बर्ड स्प्राइट वाई पिग स्प्राइट एक्स पिग स्प्राइट वाई पिग स्प्राइट वाई कन्वर्ट वन डॉट हाइट इनटू में 0.5 कंटिन्यूस मूव कराने के लिए डिजाइनर में यूजर इंटरफेस में एक क्लॉक लेने के लिए सेंसर सेक्शन में क्लॉक को ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद ब्लॉक में जाने के बाद डिजाइनर में जाने के बाद क्लॉक पर क्लिक करेंगे, टाइम ऑलवेज फायर्स को फॉल्स कर देंगे, ऑलवेज इनेबल को फॉल्स कर देंगे और टाइमर इंटरवल को बंद कर देंगे। ब्लॉक्स में आने के बाद क्लॉक वन पर क्लिक करेंगे, व्हेन क्लॉक वन डॉट टाइमर डू
टाइमर वन इनेबल हो तो क्या करना है, यहाँ पे बड़े स्प्रेड एक्स और वाई को लाकर यहाँ ड्रॉप कर देंगे। क्लॉक वन पर क्लिक करने के बाद सेट क्लॉक वन डॉट टाइमर इनेबल टू ट्रू, पर एक्स वेलोसिटी और वाई वेलोसिटी काम नहीं करेंगी, इन दोनों को डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए ये रेड मार्क दिखा रहा है, इसका मतलब ये काम नहीं करेंगी। दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, इनिशियलाइज ग्लोबल नेम टू कॉपी पेस्ट बर्ड एक्स वेल, यहाँ पर बर्ड वाई वेल, एक्स वेलोसिटी वाई वेलोसिटी जीरो, मैथ में जाने के बाद जीरो, कॉपी पेस्ट करेंगे इसे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे जीरो। सेट बर्ड एक्स वेल, सेट बर्ड, सेट ग्लोबल बर्ड एक्स वेल, एक्स वेल पे थोड़ी देर रखने के बाद गेट एक्स वेल, इसे कॉपी पेस्ट करने के बाद सेट ग्लोबल बर्ड वाई वेल टू गेट वाई वेल, वेरिएबल में जाके गेट कॉपी पेस्ट गेट बर्ड एक्स वेल बर्ड वाई वेल, वेलोसिटी को रोकने के लिए व्हेन बर्ड वन डॉट एच रीच्ड सेट क्लॉक वन डॉट टाइमर इनेबल टू, सेट क्लॉक वन डॉट टाइमर इनेबल टू एच डी रीच्ड सेट क्लॉक वन डॉट टाइमर इनेबल टू फॉल्स, लॉजिक में जाने के बाद फॉल्स आ गया एक्स्ट्रा, इसे डिलीट कर देंगे। जब व्हेन बर्ड डॉट कोलाइडेड विद, यहाँ पर भी वेलोसिटी को रोकने के लिए बर्ड की सेट क्लॉक वन डॉट टाइमर इनेबल टू टेस्ट करके देखेंगे। पोजीशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब हम इसे मूव करके देखते हैं और ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। वेलोसिटी पीछे होगी तो ये पीछे जाएगा, बर्ड कंटिन्यूस बेसिस पे आगे होगी तो बर्ड आगे जाएगा।